YouTube फैमिली, हाउ आर यू? और यहाँ पर आज है जी फ्राइडे का डे और बच्चों का आज ऑफ है, क्या हुआ? मैंने थोड़ी ना नाम बस आ जाओ एक दूसरे को तंग करना। मुझे नहीं माना। सो यहाँ पर अभी मैंने ना रात के बर्तन ही नहीं धोए, तो अभी पहले मैं ये वॉश करूँगी। मैंने कल रात में थाली निकाली और उसके बाद पानी भी बॉइल करना है आज पीने वाला, फिर खाना भी पकाना है। लुकी आई हुई है वो बनानी है, तो अभी नाश्ता भी बनाना है। तो और एक और मज़े की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना कलर वाला सिस्टम वो शुरू हो चुका है, अब नीचे कलर हो रहा है तो वो भी हो रहा है। सो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? अभी हस्बैंड भी गए हुए हैं कलर के चक्कर में और आज उन्होंने भी ऑफ लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना पूरा होम टूर शेयर करूँगी जब मैं इसको फाइनलाइज कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता बना लेते हैं और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पर हमारा नाश्ता बन चुका था, देखें पराठे और अंडा बना दिया था मैंने साथ में जल्दी से, और चाय और ये सब कुछ तैयार है और अब हम नाश्ता कर रहे हैं जी, ठीक है? चले गई थी छोड़ के आप ही को, गंदी बिल्ली है ना, आपको छोड़ के गई थी। ये तो बिल्ला है खुद ही। सो अभी हमने ना ये देखें कमला की चादर चेंज की आज, ठीक है? बहुत गंदी हो गई थी वो बोली, और यहाँ आज दावत सही से सफाइयाँ कर रही है और सब चीज़ें निकाल निकाल के, ठीक है? छुपी हुई हूँ, मैंने नया तरीका ढूंढा है कि अंदर जाने का। ये मेरा भाई भी बहुत करते, जब मम्मा चार पी पीछे करके इसको सुलाती थी ये ऐसा जंप करके इधर आ जाता था। चलो जल्दी करो बेटा। अच्छा तो हस्बैंड लेकर आए थे ऑयल, दो ऑयल और वन ये हमारा आया है, ठीक है? पहले के ऊपर सो सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी आपको पता ही है। अभी बर्तन नाश्ते के हैं वो वॉश करने हैं, फिर मैंने सबसे पहले ज़रा चाय के बर्तन वॉश करके चाय बना लूँ, मज़दूरों को चाय देनी है तो बस वो बनाए। सो इस बार जो है ना हस्बैंड लेकर आएंगे टपाल दानेदार, और लेट्स सी कि ये कैसी बनती है, चेक करके देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और सेम ये वाली और वो सेम इन साइज़ मतलब, लेकिन प्राइस आर टू डिफरेंट, इट्स 170, ठीक है? और वो है 270 की इसी सेम साइज़ में, ठीक है जी? सो इसको चेक करेंगे आज कि ये कैसी बनती है। महंगाई ने आपको पता है रुला दिया है सबको। अच्छा यहाँ मैं लोकी जो है ना इस पीलर से जो है ना पील करी हूँ, अगर आप ये पीलर यूज़ करते हो ना तो ये बहुत अच्छे से पील हो जाती है, अदरवाइज छुरी से करो ना तो आधी लोकी वैसे ही ज़ाया हो जाती है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा अक्सर, तो ये काम होता है। तो यहाँ मैं बस जल्दी जल्दी इसको कटअप कर रही हूँ, और मैंने इसको कटिंग बोर्ड पर कट किया था तो क्लास की जो है ना कटी थी। अच्छा आपको पता है बच्चे जो है ना लौकी इतने शौक से नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा अपना लौकी के अंदर आलू ऐड कर देती हूँ, मैं आलू लौकी बना लेती हूँ तो जो है ना फिर वो उसमें से आलू भी खा लेती हूँ, और लौकी बिल्कुल एक जैसे कीमे वाली लौकी हो जाती है क्योंकि वो जल्दी गल जाती है तो वो बड़ी अच्छी बनती है। तो आलू लौकी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना होता है और उससे इतनी अच्छी स्टीम पर बनती है कि बहुत ही मज़ेदार, एक जैसे सब्जी प्रॉपर बनाते हैं ना बिल्कुल उसी स्टाइल में हमने बनानी है। मैंने ये सारी जल्दी जल्दी से पील की है, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और नीचे जो है ना वर्किंग स्टार्ट हो चुकी थी तो मेरा इरादा था कि हमने ये किया था कि जो खाना बनेगा वो हम उनको भी साथ में सर्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं बस ना लौकी आलू इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करके बनाया था ताकि जो है हमारे मज़दूर भी खा सकें, वरना लोग ज़्यादातर वो दाल वगैरह शौक से खाते हैं। तो अभी चने की दाल बनाने का फिर मेरा नेक्स्ट डे था, मैंने कहा था कि आज ये बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है ना चने की दाल और थोड़ा सा चिकन डाल के दाल चिकन बना लूँगी तो वो उनको दे देंगे। तो हुआ ये कि मैं ना बड़ी फास्ट फास्ट जो है ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि यार दोपहर का खाना टाइम पर हो जाए, क्योंकि चाय दे दी थी उनको, ठीक है? सुबह नाश्ते के बाद अच्छा टाइम पे ही आ गए थे और चाय उनको दे दी थी। उसके बाद फिर मैं ये देखें मेरी जो दूसरी वाली नाइफ थी ना वो ख़राब हो गई थी, और ये इतनी कोई शार्प थी ना तो इससे जो है ना कट्स लग जाते हैं हैंड्स के ऊपर, आपके फिंगर्स पे ना बहुत ही बुरे लगते हैं वो। एक तो आपको बाद में फिर नमक मिर्चें वाली काम वाली चीज़ों में बहुत मुश्किल होती है, दूसरा ये बर्तन धोने पर बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, तो
आप इसको कटिंग बोर्ड पे यूज़ कर सकते हो, ये वाली जस्ट जो है ना, मैं हमेशा नाइफ को सीजर बोल देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी कटिंग हो रही थी, तो मैं ना फिर इसलिए इसको इस तरह से कट करी थी। और फिर हुआ ये कि मैंने पूरी प्रॉपर बना तो ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा घर करीब में ही है तो हम खाना वहीं पर जाके घर पे खाएंगे। तो फिर हमने कोई उनको नहीं कहा, चाय हम लोगों ने उनको दो टाइम चाय का था वो हमने दे दी थी उनको, और उनको जो इतना वो नहीं था कि घर पर वो खाना यहाँ खाएं, वो घर पे ही खा रहे थे। और यहाँ मैंने आलू भी इस तरह से ना सेंटर में से कट लगा के, और आलू को भी इस तरह से ना, पोटैटोस को भी इस तरह से कट कर लिया था। थोड़े से मैंने बिगिन साइज़ रखे थे एज़ कम्पेयर टू द लौकी, ठीक है, ताकि आलू जो है ना जल्दी गल जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू लौकी थोड़ा सा टाइम लेती है। तो मैं कह रही थी कि आलू टेंडर हो जाए लेकिन टूटे ना, ताकि आलू का डिफरेंस नज़र आता रहे। तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी से इसको कट कर रही थी। गाइज ये है हमारा, ये के साथ ही छोटे छोटे नोट्स पड़े हुए हैं, पर हम ये नहीं ले सकते। ओके गाइज, ये ऐसे पाइप कुछ जैसा है, और ये है मेरी ट्रॉली, और ये है मेरे भाई का जिसके ऊपर मेरा भाई बैठ के खाता था, याद है आपको? मैंने आपको ये दिखाया हुआ अभी। ये अंदर का नज़ारा है, अभी ये कुछ हुआ हुआ है, ओवन जैसा, डेली किंग है ये दिया हुआ है अभी, और ये हमारा वो सिंक है। ये अंदर चल के देखते हैं, और ये क्या पड़ा है, और ये थोड़ी सी तस्वीर भी पड़ी हुई है जो हमने देखी भी होगी। तो गाइज ये है मेरी ट्रॉली, जब मैं छोटी थी ये मेरी ट्रॉली थी, ये मेरे भाई का जिसने बैठ के खाता। चलें गाइज अब अंदर चेक करके आया जाएगा कि अंदर की लुक कैसी है। अभी मैं अंदर आई हूँ, सब कुछ तो बिखरा हुआ, समेटा हुआ कुछ नहीं लग रहा, और ये हमारे पेंट शेंट पेंट पड़े हैं। और अभी हम जा रहे हैं इस कमरे में, कमरे भी कुछ खास नहीं है, मिट्टी। चले वॉशरूम देख लो, जाओ वॉशरूम देख के आओ, जाओ। कैसा है अभी, कैसा है अंदर? गैस बैड है वॉशरूम भी अभी, तो हम अभी जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये है वो मॉडल तस्वीर जो ये रखी हुई है हमने अपने घर में बना कर, और ये मेरा भाई आ गया बीच में, मैं आपको दिखा। ये आप क्या कर रहे हैं? मिट्टी हो गई आज पूरे किचन में, और ये पता नहीं हमारा क्या है, ये शायद ओवन है हमारा, या पंखा, या और वो हमारी बॉल पड़ी हुई है, और ये एक बड़ा सा खोपचा पता नहीं क्या चीज का है, ये हमें नहीं पता। और ये हमारा बैग है, बैग नहीं है, खास ऐसी चीजें हैं जो कभी हमने नहीं देखी, और ये पूरा बिखरा हुआ है। तो गाइज ये मैं आपको ट्रॉली का सबसे लुक दिखा दूँ, ये पीछे से इसकी ये टेप लगी है, और ये पूरी ट्रॉली है। ये गाइज अभी हम चलते हैं, मैं आ गई हूँ वीडियो पे, कम ऑन। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस, और अभी मैं आपको ब्लैंकेट दिखा दूंगी, दो ब्लैंकेट आए हैं। और ये मेरी फ्रॉक बन रहा है, तो अभी मैं सैलड बना रही हूँ, ठीक है, प्याज में कट करूँगी, और हमारा जो सालन था वो आलू लौकी का वो बना हुआ है, उसी से हम रात में रोटी खा लेंगे, साथ में सैलड कर लेंगे। बताऊँ मैं आपको, आई डोंट लाइक आलू लौकी, सो फिर हम रोटियाँ बनाएंगे। तो जब तक मैं बस ये कर लूँ, सैलड बना के रखूँ।